ये नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है? वैसे सजावट तो बहुत अच्छी की है। हैला, रंगोली नहीं बनाई? मुझे कहते तो मैं रंगोली भी बना लेती, मजा आ जाता। नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है? अरे जस्सी, कैसा है तू? नमस्ते परजाई जी। वैसे घर की सजावट तो बहुत अच्छी की है, बहू की मुदिखाई में चार चांद लग जाएंगे। आप यहाँ क्यों खड़ी है? आप ही का तो घर है जी। चलो चलो आओ। जी मैं अभी आई, बस किसको फोन करना है। नेटवर्क। हाय रब्बा, देख कहीं पे बहू की मुंह दिखाई, कहीं पे शहनाई, कहीं पे सगाई। हाय रब्बा, सुन ले भाई, अब तू भी कर ले फटाफट सगाई और फिर शादी। और मैं चाहती हूँ ना कि उसके बाद मेरे पास एक प्यारी सी सुंदर सी बहू आ जाए, मैं भी सास बनना चाहती हूँ। हैं? हाँ ठीक है माँ, लड़की मिलनी तो चाहिए ना, और वैसे भी मैं ढूंढ रहा हूँ, तो जैसे मिल जाएगी तो आई लेट यू नो। तेरे को देगा भी कौन लड़की? आवाज आई ना? अब लगता है कुछ गिरा। पता नहीं क्या चाहिए, चाय, कॉफी, ड्रामा, ड्रामा, ड्रामा। क्या कर रहे हो तुम? ये क्या तरीका है ऐसे हाथ पकड़ के बार बार यहाँ वहाँ अकेले में लेकर आ रहे हो? अच्छा नहीं लगता ना सबके सामने। क्या हो गया है? प्यार व्यार तो नहीं हो गया तुम्हें? शट अप ओके। प्यार किस चिड़िया का नाम है? मुझे कोई आइडिया नहीं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन इज यू। ये चाय कॉफी वाला ड्रामा बंद करो और मुद्दे की बात पे आओ। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि तुम्हें मुझसे प्यार व्यार हो गया है क्या? मेरे बिना रह ही नहीं पा रहे हो एक सेकंड भी, इसके लिए मुझे लगा। When I say I'm interested, I mean I'm interested in you. Come here, मैं तुम्हें समझाता हूँ। Sit here. Listen to me. मैं जब ये कह रहा हूँ कि आई एम इंटरेस्टेड इन यू, इसका मतलब ये है कि तुम और मैं, हम दोनों जो प्रॉब्लम में फंसे हुए ना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आई एम इंटरेस्टेड इन यू, समझी? अरे शौर्या, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम है क्या? Oh, really? तुम्हें ये नहीं पता कि मेरी एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या? Let me help you. मैं तुम्हें ना अच्छे से समझाता हूँ। मेरी लाइफ की सिर्फ एक प्रॉब्लम है और वो तुम हो। तुम्हें आइडिया भी है मेरी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लमैटिक हो गया तुम्हारे आने की वजह से? तुम समझ भी नहीं पा रही, तुमने मेरी फैमिली से कहा क्या? हाँ, तुमने उनको जाके बोला कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। I don't know what have you said? क्या बोला तुमने? अरे पर तुम ही नहीं तो ऐसे बोला था कि अपनी फैमिली को जाकर ये सब बोलो, इसलिए मैंने बोला। मैंने क्या गलत किया? I'm sure कि तुमने यही बोला। यही बोला जो तुमने मुझे बोला, इसी तरीके से यही वर्ड यूज करके। पर मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा कि उन्हें ये बात क्यों नहीं समझ आ रही। तुमने जो भी बोला वो पता नहीं क्या बोला, बट उन्होंने क्या समझा? उन्होंने ये समझा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बट मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी नहीं हूँ। I mean, what the hell, man? Seriously? I mean, तुम प्यार करने लग गए हो मुझसे, पर अभी बस शादी के लिए रेडी नहीं हो? चन्नाया, for the 100th time, I am not interested in you. मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, तुम्हें ये बात पता है, right? मैं बस तुम्हें ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी फैमिली इस वक्त क्या फील कर रही है। तुम सब भूल जाओ। कम हियर, सिट अगेन, कम। तुम ना मेरी फैमिली के पास फिर से जाओ, उनको जाके ये क्लियर कट बोल दो कि शनाया और शौर्या का कोई मैच ही नहीं है, हम दोनों ना कुछ है ही नहीं, हमारा कोई सीन ही नहीं है, परफेक्ट है ना? हाँ। ओके, डन। बोल दूंगी। आई होप कि ये प्रॉब्लम यहीं खत्म हो जाए, तो चलता हूँ मैं। सब क्लियर, तुम बात कर लेना, मिलते हैं फिर कहीं ऐसे ही। वैसे आई हैव अ क्वेश्चन, तुम मेरी फैमिली से ये क्यों नहीं कह देती कि तुम राजवीर से प्यार करती हो? आई मीन, ऐसा लगता है, हम सबको दिखता है कि तुम उसे लाइक तो करती हो, शायद
प्यार भी करती होगी। स्टॉप राइट देयर। मैं कोई राजवीर से प्यार नहीं करती, उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और जहाँ तक मुझे याद है, मैंने तुमको ये बोला था कि शायद राजवीर मुझ में इंटरेस्टेड है, वो मुझे चाहता है, और हाँ कि वो मेरे लिए काफी पोजेसिव है। ओह या, बट डोंट यू थिंक इट्स रियली वियर्ड? पोजेसिव तुमको लेकर, प्यार तुम्हारी बहन से। आई मीन इट्स अ लिटिल वियर्ड। तुम अपनी बहन से बात करने वाली हो ना, तो तुम अपनी बहन को ये बात जरूर बोलना कि वो लड़का राजवीर तुम्हारी बहन के लायक बिल्कुल नहीं है। आई मीन वो एक अच्छी लड़की है, शी इज गुड। उसके लिए ना बहुत अच्छे लड़के मिल जाएंगे, राजवीर से तो 10 times बेटर लड़के। और अगर उसे राजवीर से बेटर लड़का ना मिले तो उसे बोलना कि मुझसे मिले। तुमसे क्यों? तुमसे क्यों मिले? क्योंकि वो मैं उसकी सेटिंग करवा देता। आई मीन मेरे पास बहुत बढ़िया लड़के हैं, एक से एक। मैं ना राजवीर बहुत अच्छा लड़का है, तुम रिलैक्स करो। तो तुम क्यों नहीं कर लेती उससे शादी? हाँ आई मीन आई एम सॉरी, वो मेरी लाइफ बहुत मेस्ड अप है ना, तो मैं थोड़ा सा सैड हूँ, तो शायद इसलिए मैंने बोल दिया। वो फॉरगेट अबाउट ऑल दिस, तुम मेरी फैमिली से मिलना ओके, और बोलना उन्हें जो बोला था। कब मिलना है शौर्य? तुम बोलो तो अभी। ओह सॉरी वो। इट्स ओके। आई एम सॉरी वो। हाँ। क्लमजी। आई मीन मैं चलती हूँ। सुनो तो वो मैं पूछ रहा था कि तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ पर किस काम से आई थी। वो मैं पूछने आई थी। क्या वो हाँ माँ माँ पूछ रही थी कि बुआ जी जब मुंह दिखाई के लिए जाएं तो माँ को भी ले दी। आई मीन मैं बुआ जी से मिलने आई थी। पहली बार है जी, इस कदर किसी की धुन सवार है जी, जिसकी आस में हुई सुबह से दोपहर, शाम को उसी का इंतजार है जी। होश है जरा 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 खुदार है जी, छेड़ के गया वो ऐसे दिल के तार है जी। पहली बार है जी, पहली बार है जी, इस कदर किसी की धुन सवार है जी, जिसकी आस में हुई सुबह से दोपहर, शाम को उसी का इंतजार है जी। वो मुझे लगा तुम्हारे और शनाया के बीच में कुछ है, मतलब है क्या? What do you mean? वही जो दो लोगों के बीच में होता है। What? अगर हम दोनों के बीच कुछ, आई मीन मेरे और शनाय के बीच में कुछ भी होता तो वो नशे में वो सारी बातें मैं तुमसे नहीं कहता, वो सारी बातें मैं शनाया से कहता। वो कहते हैं ना अक्सर नशे में लोग दिल की बातें कर देते, जो मैंने कर दी तुमसे। तुम सही कह रहे हो, आई मीन नशे में इंसान तो कुछ भी कह देता है, उसे ये होश भी नहीं होता है कि उसके सामने कौन खड़ा है, वो किससे क्या कहना चाहता है, कब कहना चाहता है, क्यों कहना चाहता है। वो तो बस कहने के लिए कह देते हैं, उस बात का कोई मतलब थोड़ी होता है। आई अंडरस्टैंड। तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैं वो सारी बातें जो बातें मैंने नशे में कही थी, वो सारी बातें मैं तुमसे दोबारा कहूँ होश में? कह दूँ?
पहली बार है जी, पहली बार है जी। बुरा लग गया क्या? Oh no. अरे आवाज तो यहीं से आई थी, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। हाँ आवाज तो यहीं से आई थी लगता है। अरे ये गिरा है माँ। तू पागल है क्या? ये गिरा है, देख कितना भारी लग रहा है। हवा से तो गिरा नहीं होगा। नहीं कोई तो होगा ना यहाँ पे, वो दिख ही नहीं रहा। हाँ तो अब फंक्शन का माहौल है, हो गया रहेगा यार, किससे धक्का लग गया रहेगा, गिर गया रहेगा, छोड़ो ना। नहीं मोहित, मेरा मन कह रहा है कुछ गड़बड़ हुई है, चला जा। अरे मेरी माँ, जासूस बनते रहते हो आप हर जगह। गिर गया रहेगा बिल्ली या कोई पक्षी, कोई बैठ के गिर गया रहेगा, छोड़ो ना, क्या कर रहे हो, चलो। अरे तो कोई दिखना तो चाहिए ना। मोहित तो समझ नहीं रहा है, मेरी बात ध्यान से सुन। जब भी ऐसा हो ना कि कुछ हुआ है और कोई नहीं दिख रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ होती है, तभी कुछ हुआ होता है। मैं बता रही हूँ तेरे को, कुछ नहीं हुआ है माँ। और वैसे भी देखो फंक्शन का घर है, लग गया रहेगा किसी से, गिर गया रहेगा, छोड़ो ना, आप कितना सोच रहे हो। नहीं मोहित, मेरा दिल कह रहा है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। मैं बता रही हूँ तेरे को, तू आ मेरे साथ। अरे मेरी जासूस माँ, छोड़ो ना माँ, फंक्शन का घर है, लोग आते जाते हैं, देख लेंगे, क्या सोचेंगे कि हम किसी के घर में झांक झांक के देख रहे हैं, कितना गंदा लगेगा। छोड़ो यार ये सब, आप बहुत सोच रहे हो, चलो। नहीं मोहित, तू समझ नहीं रहा, मेरा मन कह रहा है कुछ हुआ है। मेरी माँ, कुछ गड़बड़ नहीं है, चलो अंदर, फंक्शन चालू है, चलो अभी, ज्यादा सोचो मत, चलो चलो अभी, छोड़ो आप ज्यादा सोच रहे हो, चलो चलो चलो, कुछ नहीं हुआ, चलो। हाँ तू ठीक बोल रहा है, मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। सृष्टि, वो मेरी बहन कहाँ गई? यही डांस कर रही थी ना? सृष्टि, I love you, Palki. नशे में इंसान तो कुछ भी कह देता है, उसे ये होश भी नहीं होता है कि उसके सामने कौन खड़ा है। तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैं वो सारी बातें, जो बातें मैंने नशे में कही थी, वो सारी बातें मैं तुमसे दोबारा कहूँ होश में? सैंडी, हमें जाना होगा। है? क्या कर रहे हो? I mean, तुम यहाँ क्यों आए? तुम बताओ, तुम कहाँ थी? बाहर से आ रही हो ना? मुझसे पूछ रहे हो? होश है तुम्हें, किससे बात कर रहे हो? तुम होश में हो?
मैं तुम्हारे घर आया हूँ तुम्हारी बहन से बात करने, उसे ये बोलने के लिए कि वो मेरे घर जाए और ये जो प्रॉब्लम खड़ी की है ना ये सबका सलूशन ढूंढ के निकाले। ये क्या तरीका है बात करने का? और ना तो मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, ना तुम्हारी कोई रिश्तेदार, ना ही तुम्हारी कोई जान पहचान वाली, तो मुझ पर इस तरह धौस मत जमाओ। और ये क्या तरीका है टॉन्ट मारने का? मतलब ये क्या हुआ कि कहाँ जा रही हो, किससे मिल रहे हो, तुम्हें क्या करना है उससे, और किस बात का एटीट्यूड है? बल्कि ये कैसे बात कर रही है तू शौर्य से? हाँ क्या तरीका ये? और आता भी क्या है झुमकी वाली को? खबर तो अगर तुमने मुझे झुमकी वाली कहा ना तो मेरा नाम है, नाम लेकर बुलाओ। वो क्या है ना, तुम कुछ भी पहनो, तुम पर ना झुमकी नाम ही सूट करता है। और मेरा एडवाइस ले, तुम ना हमेशा झुमकी पहना करो, तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारा वॉक टॉक हर चीज के हिसाब से परफेक्टली जाता है झुमकी झुमकी। शट अप, मैंने कहा मेरा नाम है। ओह अबाउट दैट, वो क्या है ना, मुझे तुम्हारा नाम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब बोलो। माँ आप देख रहे हो ये कैसे बदतमीजी कर रहा है, इसे समझा दो कि हमारे घर में आके तुम हमसे इस तरह बात नहीं कर सकते। अरे बदतमीजी वो थोड़ी कर रहा है, गलती तू कर रही है। क्यों कर रही है ये? हाँ गलत तू है, उसे बात करने का तरीका सिखा रही है, खुद आता बात करने का तरीका। अरे वो मेहमान है हमारा, होने वाला जवाई है। मेरा होने वाला जीजा है, खातिर कर उसकी। सीरियसली शनाया क्या पसंद आया तुझे इसमें? हेलो शनाया की चॉइस बेस्ट है। आई एम दी शौर्या लूथरा, और तुम ये बात कह रही हो, तुमने अपने आप को देखा है और अपनी चॉइस वो राजवीर। जब देखो जब उसको ही चिपकती रहती है उसी का। माइंड योर लैंग्वेज, व्हाट डू यू मीन उसको चिपकती रहती हो? आई मीन इन बेटर वर्ड्स, तुम हमेशा उसी के आसपास होती हो, उसी को देखती रहती हो। एक्चुअली राजवीर पलकी को चाहता है, ही लाइक्स हर। तुम्हें कोई ढंग का लड़का नहीं मिला क्या? फॉरगेट इट। आंटी जी मैं आपसे क्या कह रहा था, मेरे पास ना बहुत यार दोस्त हैं और एक से बढ़ के एक। कल के दिन अगर पलकी के लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढना हो ना तो मुझे बताना, मैं लड़कों की लाइन लगा दूंगा, एक से एक लड़के हैं, और कोई दी बेस्ट लड़का ढूंढ के इनकी दी बेस्ट सी जोड़ी बना दूंगा और शादी करवा दूंगा। Why I'm saying this is because अब आपका रिश्ता हमसे जुड़ चुका है और हमारी भी समाज में कोई इज्जत है, लोग हमसे भी पूछते हैं। कल को अगर पलकी कोई ऐरे गहरे लड़के के साथ दिखेगी तो लोग हमसे नहीं पूछेंगे। I mean, अब शौर्य का भी तो हमारी फैमिली के साथ कुछ तो रिश्ता है ही, है ना? अरे कुछ नहीं पगली, बहुत बड़ा वाला रिश्ता है कि नहीं शांडी? वो जवाई हमारा संधियों वाला रिश्ता है। हाँ और ये जो कह रहा है ना मुंडा, बिल्कुल ठीक ही कह रहा है, इसके घर की इज्जत हमारे घर की इज्जत सेम टू सेम है कि नहीं? और उसी इज्जत में राजवीर कहाँ आता है? राजवीर का नाम मत लो। ओके एक्चुअली थैंक यू फॉर सेइंग इट, मुझे ना उसका नाम सुनना बिल्कुल नहीं पसंद, व्हिच मींस तुम्हें भी उसका नाम सुनना बिल्कुल नहीं पसंद, व्हिच आल्सो मींस तुम्हें वो बिल्कुल नहीं पसंद। दैट मेक्स अस टू। वाह मुझे वो पसंद है। और तुम तो मुझे बिल्कुल ना पसंद। Same here. You know what? मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती है कि मैंने सोचा मुझे तुमसे बात करनी चाहिए, तुमसे बात करना बेकार है। ओ हेलो, विक्टिम बनना बंद कर। ओके एक्चुअली गलती मेरी है जो मैंने तुमको मुझसे बात करने के लिए अलाउ किया। जाओ यहाँ से, चल ठंडी। अरे 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 शारे, कैसा तूफान था ये? आंधी थी क्या? आंधी थी तो क्यों थी? अरे मुझे क्या पता मामा, आपने देखा ना वो मुझे बाय तक करके नहीं गया। मुझसे मत पूछो यार, अब बैठ जाओ। यही वो जगह और वो इलाका जो एड्रेस मुझे मिला था, और यही वो जगह भी है जो जब मैंने रिसर्च किया तो मेरे काम ने भी कहा था कि मुझे प्रीता जी यहीं मिलेंगी। जो एड्रेस मुझे करण सर ने दिया और जो एड्रेस मैंने ढूंढा वो दोनों जगह यही है। इसका मतलब है अपनी मंजिल के करीब हूँ और मैं बहुत जल्द प्रीता जी के भी करीब हो जाऊँगा।
हेल्प कैसे हेल्प मैं कैसे मतलब क्या हेल्प करूं? एक मिनट ये तो खोलिए, यहाँ पे किसी का मुंह दिखाई का फंक्शन चल रहा था तो सॉरी मैं मुंह दिखाई के फंक्शन में इनवाइटेड नहीं। अरे नहीं, वो आपको इनवाइट नहीं करी है कि आप हमारे साथ आइए ज्वाइन कीजिए, ऐसे नहीं बोल रही है। वो हेल्प मांग रही है आपसे, हेल्प कीजिए ना हमारी। क्या हेल्प मतलब आप लोग क्या बोल रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको बताती हूँ, आप कहीं इमरजेंसी में तो नहीं जा रहे ना, हॉस्पिटल कोर्ट वगैरह कहीं? नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं, बस ऐसे ही हॉस्पिटल कोर्ट नहीं। ठीक है तो पहले चलिए। चलिए गाड़ी ऑन करिए और यहाँ से ना राइट ले लीजिए, जल्दी करिए। क्या? हाँ, अभी यहाँ से लाल रंग की गाड़ी गई है, उसको फॉलो करना है, जल्दी करिए। आप चलिए तो सही, मैं आपको बताती हूँ क्यों। गाड़ी तो ऑन कीजिए, चलिए जल्दी कीजिए। देखिए अगर आपको ड्राइव नहीं करना है ना तो मोहित कर लेगा, मोहित जल्दी आ। नहीं मैं ड्राइव कर लूंगा। हाँ चलिए। क्या ग्रेट कोइंसिडेंस है, मैं प्रीता जी को ढूंढने आया और ये खुद ही मेरे पास मुस्तक आ गई। अभी करण सर को फोन करके बताऊंगा कि उनकी प्रीता जी मिल गई, तो उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहेगा। पर नहीं, अभी नहीं बता सकता, अभी प्रीता जी हैं। सबसे अच्छा तो यही होगा कि मैं इनको अपनी ही कार से करण लूथरा के पास ले जाऊँ, वो कितने खुश हो जाएंगे। देखिए सुनिए, जल्दी चलाइए ना, थोड़ा स्पीड दीजिए, वो गाड़ी गायब हो जाएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। अरे हो क्या रहा है, नहीं हो गया है। आपको पता है प्रीता जी की बहन सृष्टि को किसी ने किडनैप कर लिया है। और वो भी क्यों किया कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें। कुछ समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, लेकिन वो गाड़ी है ना आगे, वो लाल वाली, उसमें मेरी बहन जा रही है, कुछ गुंडों ने उसे जबरदस्ती उसमें बिठा लिया है और हमें कुछ भी करके उसे पकड़ना है। प्लीज आप जल्दी चलाइए। पता है कोई ऑटो को टैक्सी मिल ही नहीं रहा था, ये तो आपकी कार दिख गई, हमारे को तो आपसे हेल्प मांग ली हमने। पता नहीं किसी से हमारी क्या दुश्मनी है, क्यों सृष्टि को ऐसे लेकर जा रहे हैं, पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे। मेरी तो बहुत जान निकल रही है, मैं अपनी बहन के साथ कुछ भी गलती होने दे सकती। प्लीज थोड़ा जल्दी चलाइए, अगर गाड़ी आगे से गायब हो गई ना तो हमें कुछ नहीं पता चलेगा। थोड़ा जल्दी जल्दी चलाओ, आज तो इसको छोड़ना नहीं है गुंडों को। हाँ वो राइट मार रहे हैं। हाँ चलो जल्दी चलो। क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। चुप, ज्यादा हुआ कि ना तो सीधा चाकू अंदर और जान बाहर। बहुत बड़ा गुंडा हूँ मैं। ये लोग कौन है और इन लोगों की मुझसे क्या दुश्मनी, मुझे क्यों किडनैप किया है, मैंने तो इन्हें पहले कभी देखा भी नहीं, और ये मेरी जान के पीछे ऐसे अटैक, ऐसे अचानक उठा लिया। मैं जल्दी चला ना। क्या हुआ, आज गाड़ी क्यों रख दी? आप ये मत बोलना कि गाड़ी खराब हो गई है। यार गाड़ी वाड़ी नहीं खराब हुई, सिग्नल लगा हुआ। अरे बचाओ। यार ये गाड़ी भी पता नहीं कैसे पंचर हो गई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तुझे भी कितनी बार बोला है बेटा कि पहले चेक करवा लिया कर। ये 994 में कुछ आपका न्यूमरोलॉजी का प्रॉब्लम है। हाँ तो मेरी लक्की गाड़ी है ना, तुझे उसे ठीक कराना चाहिए था ना, तुझे उसे रखना चाहिए था ना मेंटेन करके। यार मेरा ये काम है, मैं मैकेनिक थोड़ी हूँ। मैडम चुपचाप नीचे झुक जाओ वरना तुम्हारी जान जाएगी, तुम्हारी मौत एक राज बन के रह जाएगी। मैडम ओ गॉड, वैसे तो मैं लूथरास के सामने नहीं जाती, पर काश अब ये मुझे देख ले, मुझे बचा ले। ये लोग छुरा मारने की धमकी दे रहे हैं, पर एक तो ट्राइब बनती है। औरन बजा, औरन बजा, इसे साउंड बाहर नहीं जाना चाहिए। एक मिनट। क्या प्रॉब्लम है लोगों? यार सिग्नल है, ये गाड़ी खराब है, तू कहाँ हॉर्न बजा रहा है भाई? अरे बंद करना, डिस्टर्ब हो रहा है यार। हर्ष इतना हॉर्न मत बजाया, किसी को नहीं देखना होगा तो भी हमको देख लेगा। तू एक काम कर, लाउड गाना बजा, इससे लोग डाइवर्ट हो जाएंगे, चल इसकी आवाज भी दब जाएगी। अब इसने गाना बजाना शुरू कर दिया यार,
मेरे ख्वाबों का शहर थोड़ी कुन है, थोड़ा सब्र थोड़ा दुआओं का असर और बेहिसाब जिगर। दिख नहीं रहा किस बात है? वहाँ पर सिग्नल है और यहाँ पे आदमी गाड़ी ठीक कर रहे हैं। इतना हॉर्न बजा रहे हो, ऊपर से गाने बजा रहे हो, हाँ ऊपर से निकलोगे क्या? देख नहीं रहे पब्लिक को डिस्टर्ब हो रहा है? ये बंद करो। अरे बंद करो यार, कितना नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, पब्लिक को कितनी तकलीफ हो रही है, समझ में नहीं आ रहा तुमको? बंद करो इसको। अभी भाई गाना वाना बंद नहीं होगा? गाना बंद नहीं होगा। बहुत ही दिमाग खराब लोग है ऋषभ, छोड़ लीव इट, आ जा। कभी कभी मेरा मन करता है, आ जा बेटा आ जा। बजाओ बजा बजाओ बजाओ और जोर की बजाओ। इनको कुछ बोलने का मतलब नहीं है, अगर इतनी सेंस होती इनमें तो यहाँ पर खड़े होकर ऐसे बिहेव कर रहे हो? शाबाश और बजाओ, बहुत बढ़िया। कितना टाइम लगेगा यार? चल निकाल निकाल गाड़ी निकाल। हुआ क्या नहीं बेटा? हाँ जी हो गया। चल हो गया, हो गया। ठीक बैक हो गया दोस्त। कितना हुआ? 200 रुपये सर। ये आपके लिए, थैंक यू सो मच। गाड़ी मैं चलाता हूँ। हाँ आप क्यों चलाओगे? क्यों बड़ा कौन तुसी, गड्डी कौन चलाएगा तुसी? दोस्त ये आपका ये रह गया। ए म्यूजिक कम करना। ए बंद कर म्यूजिक, बंद कर। हे माता रानी, कितना अच्छा चांस था, गाड़ी भी खड़ी थी, महेश डैडी जी ऋषभ जी कार के बिल्कुल बाहर, बस एक शीशे की दीवार थी, काश कि वो मुझे देख लेते, पर अब तो वो भी उम्मीद नहीं है, अब क्या होगा मेरा?